हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बीबीए फर्स्ट ईयर की क्लास। बीबीए फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्लास है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम हमारी जो आगे की डिटेल्स हैं उसको मैं आपको सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो मैं आपको इन्फॉर्म करके बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है हमारा उसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। दूसरा विषय हमें यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस अकाउंटिंग। पांचवा सब्जेक्ट है इसमें हमारा बिजनेस मैथमेटिक। फाइनल सब्जेक्ट है इसमें हमारा बिजनेस। ये हमारे 6 मेन सब्जेक्ट हैं बीबीए फर्स्ट ईयर। इसके अलावा तीन और सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा मोरल वैल्यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अगला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। और नाइन्थ सब्जेक्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। नौ सब्जेक्ट जो है वो आपको आपके बीबीए फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमें हमारे आपका जो बीबीए फर्स्ट ईयर है उसके सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन के सिद्धांत, कि मैनेजमेंट के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं वो हमें हमारी सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसमें बताया जाएगा।
थर्ड सब्जेक्ट इसमें दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि संचार कौशल। तो यहाँ पर हमें जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड हमारा जो संचार है वो हमारा कैसा होना चाहिए वो हमें हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें बताया जाए। फोर्थ सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कि लेखांकन, लेखांकन का कार्य हमारा करने के लिए हमें हमारा फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फिफ्थ सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि व्यावसायिक गणित, इसमें आपको मैथ जो है वो दिया जाएगा। और सिक्स सब्जेक्ट है बिजनेस स्टेटिक्स मतलब कि व्यावसायिक सांख्यिकी। ये आपके छह मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा ये जो तीन सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं ये हमारे हर बैचलर डिग्री चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, हर एक सब्जेक्ट, हर एक कोर्स में, हर एक डिग्री जो आपकी होती है उस हर एक डिग्री में आपको ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको दिए जाएंगे। और ये तीन सब्जेक्ट हमारे कहलाते हैं फाउंडेशन कोर्स। भी बोल सकते हैं।
सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट का मैंने आपको अलग अलग नाम बता दिए। अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका ये जो सब्जेक्ट है, आपका ये जो डिग्री, इसका फुल फॉर्म बता दूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस, सॉरी बैचलर ऑफ बिजनेस। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम हमारा डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, हमारे स्टडी में जो भी कर रहे हैं, हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कल को अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बीबीए कर रहे हो, बीबीए का फुल फॉर्म बताओ, तो बीबीए का फुल फॉर्म हमारा होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सीखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऐसा मुख्य व्यक्ति होता है जो सभी तरह की चीजों को मैनेज करता है और उन्हें हैंडल करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, तो वो कहलाता है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा बीबीए का फुल फॉर्म है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संचार कौशल। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उन सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली पढ़नी है, और हमारी ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और यही, इसके साथ ही हमने हमारे आज पढ़ा बीबीए का फुल फॉर्म भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, हम हमारी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।